नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी किचन पंक्ति में। आज मैं आपके साथ शेयर करने लाई हूँ अपनी चना दाल की पूड़ी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये इतनी स्वादिष्ट रहती है कि इसमें कोई भी सब्जी की आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना सब्जी के भी इसे खा सकते हैं। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखिए हमारी पूड़ी कितनी फूली फूली बनती है और अंदर से कितनी अच्छे से स्टफिंग भराई रहती है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसे एक बार घर में ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम चना दाल लिया है, जिसे कि आधा घंटा पहले भिगो लिया है और साथ ही दो बार धोकर साफ कर लिया है। अब इसे उबालेंगे। उबालने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब हम लोग इसमें अपना चना दाल डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी बस इतना ही रहना चाहिए। देखिए ये ठीक से डूबी भी नहीं है, बस इतना ही। अब इसमें ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे एक सीटी आने तक इसे पका लेंगे और जब तक प्रेशर हमारा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसे इसी तरह छोड़ देंगे। चना दाल हमारा जब तक पकता है तब तक इसका आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया हुआ है, कटोरी में 3 कटोरी। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप अगर नमक पसंद करते हैं तो डालें, वरना स्किप करें। अब इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक सॉफ्ट डो तैयार करें। एक साथ आप पानी ना डालें और टाइट आटा बिल्कुल भी ना लगाएं। मेरा डो तैयार है, देखिए ये कितनी सॉफ्ट है। बस इसी तरह सॉफ्ट आटा ही आप लगाएं। अब इसे ढककर 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे। कुकर का प्रेशर हमारा देखिए पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब चलिए इसे निकाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए चना हमारे कितनी अच्छे से पक गई है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। इस तरह आप उंगली में दबाएं तो ये अगर दबती है अच्छे से तो इसका मतलब पक गई है। अब इसे एक छन्नी में छान लेंगे और इसका सारा पानी अच्छे से निकलने देंगे। आप पानी बिल्कुल भी इसमें ना रहने दें। हमारे दाल का सारा पानी निकल गया है, देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। अब इसे पीसेंगे। पीसने से पहले मैं इसमें क्या क्या मसाले लगेंगे आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ 3 इंच अदरक लिया है, जिसे कि काट लिया है ताकि ये मिक्सी जार में हमारे अच्छे से पीस पाए। 5 हरी मिर्च ली हैं, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हुई है और ये ढेर सारी हरी धनिया ली है। आप जितना यूज करना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। अब एक मिक्सी जार लेंगे और इन सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। इससे पहले थोड़ा पीस लेंगे, उसके बाद इसमें दाल डालेंगे। आप इसे 2 सेकंड के लिए चलाएं, फिर बंद कर दें, फिर 2 सेकंड के लिए चलाएं और फिर बंद कर दें। ऐसे करके 2 राउंड इसे पहले घुमा लें। ये देखिए मैंने इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है। इसी तरह आप इसे और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब इसमें अपना चना दाल डाल देंगे और इसे भी 2 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर 2 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। ऐसा करके इसे 4 राउंड घुमा लेंगे। मैंने इसे पीस लिया है, देखिए 5 से 6 राउंड चलाने पे अप डाउन करके ये हमारा इस तरह का दाल तैयार होगा। अब इसे एक बर्तन में पकड़ लेंगे। आप पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी ना करें। मैंने दाल को पीसकर एक बर्तन में पकड़ लिया है। अब हम लोग इसमें कुछ और सामान मिलाएंगे। मैंने यहाँ 2 आलू को उबाल लिया है। इसे कद्दूकस करके इस तरह आप कोई भी छोटा या बड़ा ग्रेटर ले लें और उसमें इस तरह कद्दूकस करके इसे डाल दें। आप कद्दूकस करके अगर डालेंगे तो इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहेगा और हमारी पूड़ी अच्छे से बन के तैयार होगी। इस तरह कद्दूकस करके डाल देंगे। आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम लोग इसमें और कुछ सामान मिलाएंगे। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया है स्वाद के अनुसार और इसे डाल देंगे। साथ ही ये 1 नींबू का जूस निकाला है। आप खटाई में जो पसंद करते हैं उसे डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर या चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये थोड़ी हरी धनिया ली है। धनिया मैंने दाल के साथ भी पिसी हुई है। अगर आपको डालना पसंद हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है। इसे डाल देंगे और कोई भी मसाले इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर इसका एक डो बना लेंगे। मेरी स्टफिंग पूरी तरह बनके तैयार है। इस तरह आप इसका डो बना ले, देखिए अच्छे से ये बाइंड हो रही है तो पूरी के साथ अच्छे से बेलते बनेगी। अब चलिए आटा की तरफ चलते हैं।
10 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 10 मिनट के बाद हमारा डो कितने अच्छे से सेट हो गया है। आप 10 मिनट रेस्ट पे ज़रूर छोड़ें, वरना हमारी पूरी फूली फूली नहीं बनेगी, फटी फटी बनेगी। अब इसकी लोइयां तोड़ेंगे। आप छोटी छोटी जो पूड़ियां बनाते हैं बस उसी तरह की लोइयां तोड़ लें और इसे अच्छे से दबाते हुए चिकना करते हुए इस तरह गोल कर लेंगे और सूखे आटे में डालकर अच्छे से घुमा लेंगे और सूखा आटा लगा लेंगे और इस तरह इसकी एक कटोरी बनाएंगे। देखिए मैंने इसका एक कटोरी बना लिया है। अब हम लोग इसमें अपना स्टफिंग भरेंगे। एक चम्मच या डेढ़ चम्मच से ज़्यादा आप ना भरें। इस तरह से दबा देंगे और अच्छे से बंद करेंगे ताकि स्टफिंग हमारी बाहर ना आए। और फिर इसे इस तरह दबाते हुए इसकी फिर से लोइयां बना लेंगे, चिकनी लोई। ये देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा दबाकर इस तरह की सारी लोइयां तैयार कर लेंगे। और आपको बता देती हूँ, देखिए पहले इसे इस तरह चिकना कर लें, थोड़ा सूखा आटा लगाएं और उसकी एक कटोरी बनाएं। इस तरह ऊपर को दबाएं, आप बीच को ना दबाएं, बीच को थोड़ा मोटा ही रखें। अगर पतला कर देंगे तो स्टफिंग हमारी बाहर आ जाएगी। इस तरह कटोरी बनाएंगे और उसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे और अच्छे से दबाते हुए इसे पैक करेंगे। ये देखिए इस तरह आप अच्छे से बंद करें ताकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। इस तरह बंद करके इसे इसी में डाल देंगे और इस तरह फिर से इसे चिकना कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से कितनी अच्छी से चिकना हुई है। अब इसे इस तरह दबाते हुए थोड़ा प्लेट कर लेंगे। मैंने कुछ लोइयां बना के तैयार कर ली है। अब चलिए इसे कैसे बेलना है मैं बता देती हूँ। एक लोई उठाएँगे और सूखे आटे में अच्छे से इसे घुमा लेंगे, अच्छे से सूखा आटा लगा लेंगे। आप पूरी तेल में ना बेलें वरना स्टफिंग बाहर निकल आएगी। इस तरह सूखे आटा लगाकर ही बेलें। अब इसे बेलेंगे, आप इस तरह हल्के हल्के हाथों से बेलें। ये पूरी हमारी थोड़ी मोटी मोटी ही अच्छी लगती है। ये देखिए ये बिल्कुल भी कहीं से स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकल रही है। बस इस तरह आप घुमाते घुमाते इसे गोल करके बेल लें। ये देखिए इस तरह ये थोड़ी मोटी मोटी रहनी चाहिए। इसी तरह की सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। मैं एक और आपको बना के बता देती हूँ। अच्छे से सूखे आटे में घुमा लेंगे और इस तरह थोड़ा दबा लेंगे और इस तरह धीरे धीरे इसे हल्के हल्के हाथों से घुमा घुमा कर बेलेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बेलते बन रही है, बिल्कुल भी स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकल रही है। इस तरह ये इतना मोटा मोटा रहना चाहिए। चलिए इसी तरह सारी बेल लेंगे। ये देखिए मैंने कुछ पूड़ियाँ बेल के तैयार कर ली है। चलिए अब इसे फ्राई करेंगे। मैंने गैस पे हाई फ्लेम पे तेल गरम होने के लिए रख लिया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। तेल को आप अच्छे से गरम करें। अब इसमें एक एक करके अपनी पूड़ी डालेंगे और इसे एक छन्नी के सहायता से इस तरह थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से फूले। ये देखिए हमारी पूड़ी कितनी अच्छे से फूली है। अब इसे पलट लेंगे और दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मेरी पूड़ी कितने अच्छे से फूली है और कितनी सुंदर कलर आई है। चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह और पूड़ियों को भी तलेंगे। मैं एक और बता देती हूँ आपको तल के। गैस का फ्लेम आप हाई में ही रखें और तेल को अच्छे से गर्म होने दें। लगाने के बाद इसे इस तरह हल्का हल्का प्रेस करेंगे। देखिए प्रेस करने के बाद कैसे ये गुब्बारे की तरह फूल जा रही है। अब दूसरे साइड को पलट के इस तरह सेक लेंगे। दोनों साइड से आप गोल्डन ब्राउन होने दें, तभी पूड़ियाँ हमारी अच्छी स्वादिष्ट लगेगी। दो साइड से पूड़ी हमारी अच्छी से सिक गई है। अब इसे भी निकाल लेंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये कितना सुंदर कलर आया है, देखिए इसका। तो चलिए इसी तरह बाकी की पूड़ियाँ भी तल लेंगे। मेरी चना दाल की पूड़ियाँ बनके तैयार है। आप इसे गरम गरम परोसें, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। किसी भी सब्जी के साथ इसे आप खाएं, ये अपने आप में ही बहुत स्वादिष्ट रहती है। कोई सब्जी की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं मेरे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।